हेलो एंड वेलकम टू क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे साथ है मिस्टर चंद्रेश नारायणन इस शो के कर्ता धरता सर हाउ आर यू हाउ आर यू एंजॉयिंग द आईपीएल आई एम एंजॉयिंग इट वेरी मच आर्यन थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस हियर और बता दें कि अब ये रेगुलर फीचर होगा अपने चैनल पे जहां पे आप सवाल पूछेंगे क्या है फॉर्मेट बता दीजिए लोगों को सवाल जवाब ये क्यू एंड ए शो है जिसमें टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप और आईपीएल दोनों को मिला के सवाल पूछे जाएंगे फैंस के सवाल जनता के सवाल जो सारे पूछ रहे हैं एक हफ्ते में ट्रेंडिंग सवाल क्या चल रहे हैं पांच सवाल होंगे वो हम सर से पूछेंगे और सर उसका जवाब देंगे तो सर शुरू करते हैं पहला सवाल इंडिया के काफी जाने माने बैट्समैन विराट कोहली जिनकी चर्चा भी हो रही थी कि शायद वर्ल्ड कप में जाए ना जाए उनकी एक पारी शतक है पर 67 बॉल्स में उसको लेकर सवाल उठाए जा रहे थे कि वो स्लो खेले कि वो स्टैंडर्ड मैच कर रही है आज की टी बैटिंग की क्या कहना है आपका इस, इस जो सवाल उठाए बिल्कुल बहुत बड़ा बढ़िया सवाल है जो सवाल उठा रहे हैं लोग क्योंकि ये देखिए इनकी पारी ने मेरे ख्याल से पूरे भारतवर्ष को ही नहीं पूरे क्रिकेट जगत को डिवाइड करके कर रख दिया बीच में एक खाई सा आ गया और मुझे एक बढ़िया सा स्टैट देखने मिला कि 1988 में मोहम्मद अजरुद्दीन ने बासठ गेंदों में शतक लगाया था न्यूजीलैंड के खिलाफ बरोडा में मुकाबला हुआ था और भारत वो मैच हारते हारते जीत गया तो वही बात आप देखें कि 35 साल बाद मतलब 1988 में विराट कोहली का जन्म भी हुआ था तो मतलब लगभग 35-36 साल बाद सड़सठ गेंदों में विराट कोहली ने टी मुकाबले में शतक लगाया सवाल उठना लाजिब है वाजिब है माफ की और मुझे लगता है जब आप देखें कि जिस तरह से बल्लेबाजी हो रही है टी क्रिकेट में दुनिया भर में और भारत में देख लें काफी जो नए लड़के आ रहे हैं अभिषेक शर्मा को देख लें और बाकी जो खिलाड़ी जिस तरह से खुलकर खेलते हैं आ, उसके बाद ये सवाल उठना सही है पर उसका एक दूसरा पहलू यह है कि विराट कोहली की टीम में कोई उनका साथ नहीं दे रहा वो एक बहुत बड़ा एक विडंबना है उनके लिए क्योंकि अगर कोई आपका साथ नहीं देगा तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी रन बनाने को उतनी खुल के बनाने को क्योंकि देखिए फैफ डुप्लेसी ने रन बनाया तेजी से नहीं बनाया ग्लेन मैक्सल रन नहीं बना रहे हैं कैमरून ग्रीन मतलब एक अजीबो किस्सा है कि कैमरून के जो इतने हट्टे कट्टे नौजवान इंसान है वो लंबे हिट नहीं मार सकते और जबकि दिनेश कार्तिक उनसे कद में और काटी में वो छोटे हैं वो, वो बड़े बड़े, बड़े हिट्स मारते हैं देखिए ये सब होते हुए और रजत पाटीदार भी रन नहीं बना रहे भारत के बाकी जो खिलाड़ी है बल्लेबाज वो भी रन नहीं बना रहे तो ये सबको देखते हुए ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं वो फंस गए हैं वो अपने थॉट प्रोसेस में फंस गए हैं और उनको ना थोड़ा और खुल के खेलने का उनकी आजादी नहीं मिल रही है इस वक्त इसलिए मेरे ख्याल से वो थोड़ी धीमी होगी पा करेक्ट करेक्ट और जैसा सर ने कहा दूसरा पॉइंट भी लाजिब है कि अगर दूसरे एंड से सपोर्ट नहीं मिलेगी तो वो कहते हैं कि एक अकेला बंदा मतलब कार्ड को पुश नहीं कर सकता एक एक गाड़ी को धक्का लगाने के लिए काफी लोग चाहिए तो आई थिंक इस टाइम पे तो आरसीपी गाड़ी को कोली धक्का लगा रहे हैं आगे उम्मीद करते हैं और भी बैट्समैन कंट्रीब्यूट करेंगे पर सर बीस मैच आईपीएल के दो सौ एक बार ऐसा लगता था यार दो

होना चाहिए दो प्लेयर का इम्पैक्ट सब होना चाहिए क्योंकि टीमों को काफी बार मतलब मुश्किलें होती है तो यू मस्ट गिव क्वेश्चन टू द प्लेयर्स और मुझे लग रहा था कि काफी वक्त से ये जो फॉर्मेट है टी ट्वेंटी क्रिकेट थोड़ा बोरिंग हो गया था लोग सुन के हैरान हो जाएंगे पर मेरा मानना था कि थोड़ा बोरिंग हो गया था इसलिए इम्पैक्ट प्लेयर के आने से थोड़ा और बेहतर हो गया है मैं अभी भी समझता हूँ कि इम्पैक्ट प्लेयर का जो इंट्रोडक्शन है ना और थोड़ा ड्रामेटिक होना चाहिए जैसे रॉयल रंबल में होता है आपको पता ही अगर डब्ल्यू डब्ल्यू के गरे, फैन हो तो आपको आ, पता नहीं होता रॉयल रंबल में कि अंदर से कौन आने वाला है बाहर आप समझे तो उस तरह का एक इंट्रोडक्शन होना चाहिए ताकि वो एक बिल्डअप हो आप बिग स्क्रीन पे बिल्डअप हो कि ये चार नाम है पांच नाम है इसमें से कौन आएगा कौन आएगा और फिर आखिरकार लोगों को चौंकाने वाला एक नाम अगर आए या एक्सपेक्टेड नाम भी आए एक ड्रामेटिक म्यूजिक के साथ आए तो और बेहतर होगा मेरे हिसाब से आई थिंक टीमों ने काफी बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया है हाँ कुछ लोगों का ये मानना है कि ये स्कोर जो बड़े हो रहे हैं क्योंकि अगर पहले आप बल्लेबाजी कर रहे हो तो आपके पास मौका एक अतिरिक्त बल्लेबाज खिलाने का हुँ. अगर आप बाद में गेंदबाजी कर रहे हो तो आपके पास मौका एक अतिरिक्त गेंदबाज खिलाने का तो ऐसे में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं टीमों ने समझदारी से इस्तेमाल किया उस पर सोच विचार किया है इसकी वजह से थोड़ा बहुत इम्पैक्ट हुआ है इस पर करेक्ट कम्प्लीटली अग्रीड बिकॉज इट वॉज इट वॉज अट्रूमेंट बाईम इन द टूर्नामेंट कैसा इस्तेमाल होता है के uh, आर की टीम काफी अच्छा खेल रही है uh, तीन मैच लगातार जीते हैं टॉप तो और का काफी कॉन्ट्रीब्यूशन रहे पर भारत के नजरिए से देखें तो रिंकू सिंह एक ऐसे uh, बल्लेबाज है जो बहुत प्रबल दावेदार है टी ट्वेंटी मतलब जब टीम लिस्ट का नाम लिखा जाएगा तो रिंकू सिंह का नाम नंबर एक पे आएगा पर सर हमने देखा कि ओपनर्स के इतने अच्छे स्टार्ट की वजह से उन्हें ज्यादा बॉले नहीं मिल रही है और लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या रिंकू थोड़ा ऊपर आ सकते हैं नॉट इन टर्म्स ऑफ के के आर बट इन टर्म्स ऑफ इंडिया उनको बॉले मिले अलग अलग सिचुएशन मिले उनमें वो अडेप्ट करे ताकि वो टी वर्ल्ड कप के लिए बहुत अच्छे से तैयार हो जाए तो शुड रिंकू बैट अ बिट हायर फॉर के के आर कर सकते हैं आपको पता ही मैं मानता हूं एक बात की टी ट्वेंटी क्रिकेट में बल्लेबाजी ऑर्डर बैटिंग ऑर्डर मायने नहीं रखता अगर सिचुएशन डिमांड करता है तो उनको बिल्कुल ऊपर भेजिए बल्लेबाजी करने के लिए मतलब अल्टीमेटली जो है आप के के आर एज अ फ्रेंचाइज जो एक कमर्शियल एंटरप्राइज है आप उनको ये नहीं कह सकते भाई आप मैच हारो भी तो चलेगा आप जो है हमारे लड़के को ऊपर भेजिए बल्लेबाजी करने के लिए वो कहेंगे भाई हम चैरिटी तो नहीं कर रहे हैं

जब उनकी इंजरीज हो रही थी और आ, हम कह रहे थे क्या मुंबई इंडियंस रोहित शर्मा और बुमराह के बिना फील्ड पे उतर सकते हैं आई थिंक वो सेम ही आंसर आ जाता है प्लेट में कि नहीं फ्रेंचाइज फ्रेंचाइज का मोटिव होता है जीतना देट इज देयर मेन प्रायोरिटी रिस्पेक्टिव ऑफ एवरी थिंग अगर आप फ्रेंचाइज का हाथ बांध दोगे दो पीछे और कहोगे आप जाके खेलो हाँ। तो आ, वो कहेंगे भाई ये लो टीम रखो खुश रहो हम जा रहे हैं हम जा रहे हैं करेक्ट और और काफी मतलब जैसे स्टेक होल्डर हम सुनते हैं आईपीएल में तो वो उन सब का रोल होता है एक सवाल ये था अब एक सवाल सर ये आ, मतलब इंडिया को काफी अच्छा देखा है हमने फास्ट बोलिंग में बनते हुए इतने सालों से कहा हम विदेश में जाते थे और सुबह उठ के देखते थे कि वो हमें आउट कर रहे हैं और अब वो जमाना आ गया है जहां पे हम विदेशी प्लेयरों को जाके बाउंस आउट करते हैं ऐसे गेंदबाज हैं हमारे पास उनमें से एक नया गेंदबाज उभर के आया जिसका नाम है मयंक यादव बहुत एक्साइट किया है सबको सवाल नंबर एक टी वर्ल्ड कप में ड्राफ्ट कर लेना चाहिए सवाल नंबर दो अगर नहीं तो नवंबर में एक ऑस्ट्रेलिया टूर भी आ रहा है और फैंस चाह रहे हैं कि अगर टी20 वर्ल्ड कप नहीं तो उसके लिए तैयार किया जा सकता है महेंद्र यादव को आप किस तरफ इस फैंस पे बैठ रहे हैं टी20 वर्ल्ड कप या फिर शायद ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज मेरे ख्याल से दोनों नहीं क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हो जाएगा आ, वो पिछले सीजन में सिर्फ सफेद गेंद के क्रिकेट खेले थे उसके हुँ. बाद आ, चोटिल होकर बैठ गए थे और रजनी ट्रॉफी का एक भी मुकाबला नहीं खेला है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में एक मुकाबला खेला उन्होंने और मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत जल्दबाजी होगी कुल मिलाकर उन्होंने आईपीएल में नौ ओवर डाला है मतलब इस बार अब तक नौ ओवर मतलब कितने चौवन गेंदे डाली हैं और उन चौवन गेंदों के बिना पर और उसके पहले जो व्हाइट बॉल की क्रिकेट खेली थी उस बिना पर मतलब पोटेंशियल के बिना पर पिक करना एक सेलेक्टोरियल पंट है बात सही है पर कहीं ना कहीं आपने देख लिया है कि वो नौ ओवर के बाद वापस चोटिल हो गए आप ये नहीं चाहोगे कि आप जो है एक खिलाड़ी को पिक कीजिए और वो जाते हैं उधर और वो फिट नहीं होते और भारत ने पूरा अपना जो रणनीति है एक तेज गेंदबाज के इर्द गिर्द बनाया है और वहां जाके आपको पता चले कि आपको उनको नहीं आपको एक मीडियम फास्ट गेंद गेंदबाज को खिलाना है और तो आपकी पूरी रणनीति बदल जाएगी तो जब तक आप पूरी तरह से श्योर नहीं है तब तक आप उनको पिक ना करें मैं जानता हूं कि कि चाहते थे उनको टेस्ट सीरीज में पिक करें पर तब वो होकर मुंबई में बैठे हुए थे तो अजीत अगर कर उनको ढूंढ रहे थे उतना मुझे पता है है उस बात 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 सुना मैंने तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है मुझे कि थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा इतनी बात इत, ये बात पक्की है आर्यन की इस वर्ल्ड कप के बाद जो श्रीलंका और जिम्बाब्वे का दौरा होगा वहां पर तो डेफिनेटली जाएंगे करेक्ट मेरा ये मानना है कि उसके बाद थोड़ा धीरे धीरे समझदारी से उनको पिक कीजिए और ये ना कीजिए कि आपने जैसे नवदीप सैनी और वो अहमद को नेट बॉलर बना बना के तीन चार साल घुमाया पूरे इंडिया बर में या दुनिया भर में वो गलती ना करें इस्तेमाल समझदारी से कीजिए समझ बूझ कर कीजिए बिल्कुल और ये मतलब काफी वैलिड पॉइंट है क्योंकि हमारे काफी जो दर्शक है इंडिया में बिकॉज वी आर

आ, देखते हैं कि मयंक यादव क्या करते हैं होपफुली जो इंजरी हुई है रिकवर हुए और आईपीएल में आ, अच्छा प्रदर्शन करके निकले ताकि उनका कॉन्फिडेंस और बढ़े और एल पे बात कर ही रहे हैं तो बहुत अच्छा टॉपिक मिला है मूव ऑन करने के लिए उनके कप्तान पर इंजरी की बात हुई तो इंजरी से भी वापसी करी के राहुल ने सर शुरू में बात हुई आईपीएल के पहले कि मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करेंगे विकेट कीपिंग करेंगे और अपनी दावेदारी पेश कर देंगे टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप के लिए पर देखने में तो यह आया कि ओपनिंग कर रहे हैं और एक मैच में कीपिंग की एक मैच में नहीं की तो वी ऑल एस फैंस मतलब देखने वाले ये सोच रहे कि भाई वॉट इज ही टारगेटिंग फॉर हिस्स फ्यूचर एंड वॉट डज द फ्रेंचाइज वॉन्ट फ्रॉम हिम अभी तक आपका के राहुल का क्या ऑब्जर्वेशन रहा है देखिए मुझे कहीं कही ना कहीं लग रहा है कि केएल राहुल अगर मैं पिक कर रहा हूँ टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप का स्क्वाड मेरे हिसाब से उनको नहीं होना चाहिए वहां पर और उनको ही नहीं शुभमन गिल को भी नहीं होना चाहिए क्योंकि दोनों का जो गेम है अनफॉर्चुनेटली मॉडर्न टी ट्वेंटी क्रिकेट के लायक नहीं है आपके पास एक विराट कोहली है वो एक चैंपियन बल्लेबाज है आप उनको तो लेके ही जाने वाले हैं रोहित शर्मा है उनको भी आप लेके जाओगे बहुत सारे एक तरह के बल्लेबाज आ गए तो एक वन डिमेंशनल टीम वैसे ही आपके पास आपको पता ही है कि मैं इस बात का बहुत मतलब बहुत बड़ा एक क्रिटिक रहा हूं कि भारत के वाइट बॉल क्रिकेट में बल्लेबाज गेंदबाजी नहीं करते गेंदबाज बल्लेबाजी नहीं करते और हम वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी जीतने की बात करते हैं तो उस लिहाज से देखा जाए तो मेरे हिसाब से के राहुल का टूर्नामेंट से पहले से ही मेरे हिसाब से जगह नहीं बन रहा था मैं संजू सैमसन और जितेश शर्मा को लेके जाने के पक्ष में था लोग मुझे पता है कहेंगे कि ऋषभ पंत को लेके जाना चाहिए पर मेरे हिसाब से ऋषभ पंत का जगह उनके जो पहले से ही जो टी20 इंटरनेशनल का रिकॉर्ड है और खुद के इंजरी से वापस आने के बाद जो फिटनेस लेवल्स होगा उसको देखते हुए ऋषभ पंत को मैं नहीं लेके जाऊंगा मैं हमेशा से मानता हूं कि दो तो खिलाड़ी वो है संजू सैमसन और जीतेश शर्मा जिनमें आपने इन्वेस्ट किया है टी ट्वेंटी, ट्वेंटी uh, है प्लीज हमें बताइए कि आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है बिकॉज वी विल गेट द इन्फॉर्मेशन ऑन वॉट दर थिंकिंग आर यू थिंकिंग सो वु डाउन द कॉमेंट एंड एक पॉइंट होता है की मिनिमम बॉल्स में मैक्सिमम इंपैक्ट Uh, to सात से पंद्रहर है पावर प्ले कर जाती है डेथ ओवर भी कर जाती है पर आई थिंक क्रिकेट बदल गया है वहां अगर आप इम्पैक्ट डाल दो सात से पंद्रह जहां फील्ड खुली है तो आई थिंक वहां आप गेम्स काफी जीत जाते हैं तो मिडल uh, ऑर्डर में आपके पास अगर वो प्लेयर है जो हाई स्ट्राइक रेट पे खेल के स्पिनर्स को न्यूट्रलाइज कर दें और एक बड़ा टोटल खड़ा कर दें या फिर अगर सामने वाली टीम ने बड़ा टोटल खड़ा किया है उसे चेज कर ले तो आई थिंक भारत के लिए एक नया मॉडर्नाइजेशन uh, हो जाएगा टी टी20 क्रिकेट में प्लेयर्स आ रहे हैं पर आई थिंक सिलेक्शन शुड बी बेस्ड ऑन द बेस्ट क्राइटेरिया इन इन द टी20 गेम फॉर टुडे आई थिंक इसके साथ ये पांच सवाल थे तड़कते फड़कते जो इस uh, हफ्ते ट्रेंड हो रहे थे और आपके भी अगर कोई सवाल है प्लीज हमें बताइए और आज के लिए इतना ही थैंक यू सर आपके जवाब देने के लिए और कॉर्नर्स क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश को अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स आप नीचे देख रहे हैं इंस्टाग्राम ट्विटर जहां पे भी कर सकते हो सब्सक्राइब करो शेयर करो क्योंकि अभी आईपीएल है फिर टी वर्ल्ड कप है आपके साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे देखने के लिए शुक्रिया थैंक यू